तो यूपी की मुरादाबाद सीट पर सपा में सस्पेंस बरकरार। मुरादाबाद सीट से दो प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। एसटी हसन और रुचि वीरा ने भी मुरादाबाद से पर्चा भरा है और आज मुरादाबाद सीट पर नामांकन का आखिरी दिन। 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। तो एसटी हसन और रुचि वीरा ने भरा है मुरादाबाद से पर्चा, एक सस्पेंस कहा जा सकता है। और इस सीट को लेकर बैठक भी हुई थी, मंथन हुआ था। मुरादाबाद सीट पर सपा में सस्पेंस बरकरार है। मुरादाबाद सीट से दो उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार देखिए प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। और आज नामांकन की बात की जाए तो दो दो मुरादाबाद से नामांकन भरा है और अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है मुरादाबाद सीट को लेकर। हालांकि 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया है और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। और आपको मालूम है, जिसकी वजहें भी सबको पता है, कि मुरादाबाद के इतिहास में आज तक किसी भी MP ने 80 बार स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए जो मुरादाबाद के मुद्दे और नेशनल मुद्दे उठाए गए हों। आज देश की बदकिस्मती यह है कि सियासत धर्मों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही है। मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कुछ अफवाह उड़ी है, एसके हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट ऐसा कुछ है नहीं, क्या कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे, डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी। तो एसटी हसन और रुचि वीरा ने नामांकन भरा है आज मुरादाबाद सीट पर। अब देखिए सवाल ये उठता है कि एक ही सीट से दो प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। तो यूपी की मुरादाबाद सीट पर सपा में सस्पेंस इस बार। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझे तो देखिए सपा ने कई ऐसी सीट है जिसे लेकर कुछ बदलाव भी किया गया है उन समीकरण को साधते हुए। हालांकि मुरादाबाद सीट चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि मुरादाबाद की बात की जाए, नामांकन का आज आखिरी दिन। और आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट से दो दो उम्मीदवार 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार।